दोस्तों आप सभी को पता है कि अब कुछ ही दिन में वैलेंटाइंस का सप्ताह जो भी है वो आने वाला है। और दोस्तों इसी टाइम में आप कुछ इस तरह की AI के थ्रू अपने नेम की इमेजेस जनरेट करके जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर और भी ज्यादा यूनिक कर सकते हो, या फिर आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को भी इम्प्रेस कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह की रोज डे वाली आपको इमेजेस जनरेट करनी है तो आपको मैं जिस जिस तरह से बताता हूँ उस तरह से आपको करना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो भी इमेज क्रिएट करने वाले है उसका प्रॉम्प्ट मैंने खुद बनाया है तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, आपको अगर इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है तो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से इस प्रॉम्प्ट को आपको कॉपी करना है। तो दोस्तों मैंने क्रिएट किया है तो मैं सिंपली यहां से कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के बाद आपको दोस्तों जाना है बिंग इमेज क्रिएटर की एक वेबसाइट है। दोस्तों आप अगर इसमें फर्स्ट टाइम यूजर होंगे तो आपको यहां माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से साइन इन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों आपको अगर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं बनाना आता तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी मिल जाएगी जहां से आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बना के यहां साइन इन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों आपको जो भी आपने प्रॉम्प्ट को कॉपी किया है जो मैं आपको देने वाला हूँ उसको यहाँ पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हो हमारी इमेजेस बनकर रेडी हो चुकी है। दोस्तों इस वाले प्रॉम्प्ट से आप कुछ इस तरह की इमेजेस जनरेट कर पाओगे जो दोस्तों बिल्कुल यूनिक एंड डिफरेंट एंड रियलिस्टिक लग रहा है। तो दोस्तों इस तरह के अगर आपको इमेजेस पसंद नहीं आए तो आपको फिर से यहाँ क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इसी तरह आप जिस तरह से क्लिक करते जाओगे ये वेबसाइट है वो आपको और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी इमेजेस यहाँ क्रिएट करके देती जाएगी। अब दोस्तों इसमें आप थोड़ा थोड़ा चेंज करके और भी ज़्यादा परफेक्ट एंड अच्छी इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें आपको अगर कॉस्ट्यूम चेंज करना है या फिर जो आपका बैकग्राउंड है उसको चेंज करना है या फिर जो फॉन्ट है उसको भी आप चेंज कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। तो किस किस तरह से करना है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ तीसरी लाइन में आओगे तो आपको व्हाइट शर्ट लिखा हुआ है जिसकी जगह आप व्हाइट ग्रीन आप किसी भी तरह का कलर यहाँ ऐड कर सकते हो, जिस तरह की जो भी आपका बॉयज का है कॉस्ट्यूम वो आएगा। दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ ब्लैक पैंट देखने को मिल जाएगा जो लिखा हुआ है बॉयज के लिए। तो दोस्तों इसमें आप अच्छी तरह चेंजेस कर सकते हो, ब्लैक की जगह आपको जो भी पसंद आए उस तरह से कलर ऐड कर सकते हो। उसके बाद गर्ल्स का कॉस्ट्यूम के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ येलो ड्रेस लिखा हुआ है जिसकी जगह आप साड़ी भी लिख सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप कोई और कॉस्ट्यूम का नेम जानते हो तो आप यहाँ कलर लिख के उसके पीछे आप ड्रेस की जगह जो भी है उसको अच्छी तरह लिख सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ नेम भी चेंज करना है, यहाँ राहुल एंड नेहा लिखा हुआ है जिसकी जगह जो भी आपका नेम है उसको आपको अच्छी तरह लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ बैकग्राउंड को चेंज करना है तो भी यहाँ व्हाइट लाइट लिखा हुआ है जिसकी जगह आप कोई भी लाइट लगा सकते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, जो भी यहाँ बॉयज का कॉस्ट्यूम है उसको मैं व्हाइट की जगह कर देता हूँ थोड़ा रेड कर देता हूँ उसके बाद दोस्तों जो भी ब्लैक पैंट है वो तो वैसा का वैसा रखता हूँ या फिर मैं व्हाइट कर देता हूँ, व्हाइट अच्छा लगेगा, व्हाइट कर दिया। उसके बाद दोस्तों गर्ल्स का जो भी ड्रेस है उसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, येलो की जगह में इसका भी रेड कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको अगर कोई और चेंज करना है, ड्रेस का नेम आपको पता है तो आप कर सकते हो। उसके बाद जो भी ये नेम है उसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, दोस्तों मैंने यहाँ नेम भी चेंज कर दिया। उसके बाद दोस्तों जो भी लाइट का कलर है वो वाइट है तो मैं थोड़ा उसको कर देता हूँ रेड, दोस्तों सब कुछ मैंने रेड ही किया है। तो उसके बाद आपको यहाँ जो भी और कोई भी चेंजेस करना नहीं है, उसके बाद आपको यहाँ सिंपली क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों इसी तरह से आपको थोड़ा 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 उसमें आप अच्छी तरह पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों इसमें थोड़ा थोड़ा आप चेंजेस करके आप अपने तरफ से जो भी है इमेजेस क्रिएट कर सकते हो, जो भी जिस तरह की चाहिए आपको अच्छा वाला बैकग्राउंड आप यहाँ क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ हम वेट करते हैं कि किस तरह की हमारी इमेजेस बनती है, उसके बाद मैं आपको बताता कि ये प्रॉम्प्ट जो भी है उसको आपको कॉपी कैसे करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारे जो भी रेड वाला हमने सब कुछ चेंजेस किया था उस तरह की दोस्तों हमारे पास इमेजेस बनकर रेडी हो चुकी है। कितने रियलिस्टिक एंड परफेक्ट लग रही है दोस्तों आप देख सकते हो, सब कुछ मैंने थोड़ा थोड़ा रेड ओनली जो भी कलर है उसको ही चेंज किया था, लेकिन दोस्तों हमारी इमेजेस जो भी है वो कितनी परफेक्ट एंड रियलिस्टिक लग रही है। तो दोस्तों इस तरह की इमेजेस आप भी बना सकते हो जो भी मैं आपको प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ। आगे आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है।
अब दोस्तों आपको इस इमेजेस को डाउनलोड करने के लिए सिंपली यहाँ नीचे आपको 3 डॉट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको डाउनलोड बटन भी मिल जाएगा, जिस पर कुछ इस तरह आप अच्छे से डाउनलोड कर सकते हो। अब दोस्तों आपको प्रॉम्प्ट को कॉपी कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। उसके लिए दोस्तों आपको जो भी आपका टेलीग्राम होगा उसको ओपन करना है। अगर आप टेलीग्राम यूजर नहीं हो तो दोस्तों आपको जो भी मेरा अबाउट सेक्शन है चैनल को चेक करना है, आपको अबाउट सेक्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों आप टेलीग्राम को यूज करते हो तो आपको यहाँ सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है, उसके बाद आपको सर्च कर देना है एनजे पड़ियार 23। दोस्तों एनजे पड़ियार 23 मेरे चैनल का नेम है, ऊपर आप देख सकते हो एनजे पड़ियार 23 मेरे चैनल का नेम है। और दोस्तों उसमें आप जाके कुछ इस तरह स्क्रॉल करोगे तो आपको बहुत सारे अनलिमिटेड आइडियाज़ मिल जाएंगे। रेगुलरली मैं एक दो प्रॉम्प्ट बना के रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ आपके लिए। तो दोस्तों जितने भी मेरे सब्सक्राइबर यहाँ 20 हो चुके हैं तो दोस्तों उसके लिए वो तो रेगुलर मेरी जो भी पोस्ट है वो तो देखते ही है, आप ज्वाइन करोगे तो आपको भी नया नया प्रॉम्प्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे और ये वाला प्रॉम्प्ट है वो मैं कुछ ही मिनट में यहाँ अपलोड करने वाला हूँ, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। यहाँ बहुत सारे आइडियाज है और ये वाला प्रॉम्प्ट है उसको भी मैं 1 मिनट बाद इस पर अपलोड कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना।